आज बहुत प्रसन्नता का दिन है। गंगा नदी पर दो दो रेल पुलों का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। यह बिहार के लिए, बिहारवासियों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए वक्त निकाला, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और सबसे पहले अपनी तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से और बिहार के लोगों की तरफ से उनका मैं स्वागत करता हूं। मुझे तो यूं तो पूरे बिहार वासियों को काफी खुशी है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि दो 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 गंगा नदी पर पुल का लोकार्पण हो रहा। आवागमन की दृष्टि से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने में और सहायक होगा, इसमें कोई शक नहीं, सबके लिए खुशी की बात। लेकिन मेरे लिए आज व्यक्तिगत संतोष का विषय। मुझे अच्छी तरह याद है कि तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों के द्वारा गांधी मैदान से 3 फरवरी 2002 को ये दीघा और सोनपुर के बीच के पुल का कार्य आरंभ कराया गया था। और आदरणीय अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली से ही मुंगेर के पुल का कार्य आरंभ कराया गया था। और उन दिनों अटल जी ने मुझे रेल की जिम्मेवारी दे रखी थी, इसलिए जो काम शुरू हुआ वह काम पूरा हो रहा है और राष्ट्र को लोकार्पित हो रहा है, इसलिए मेरे लिए ये परम संतोष का विषय है। और इसके लिए भी मैं रेल मंत्रालय को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को का मैं अभिनंदन करता हूं। और आज जो जिस पुल का शिलान्यास हो रहा है मोकामा में, उसके लिए भी व्यक्तिगत खुशी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये जो मोकामा है 5 बार संसद में, लोकसभा में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। उसी मोकामा के पास राजेंद्र पुल के समानांतर एक नए पुल का शिलान्यास हो रहा है, यह भी मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और आप आए हैं आज के इस अवसर पर, सिवाय खुशी के और कुछ व्यक्त नहीं करना। आप जब यहाँ पर आए हैं तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लोगों की सेवा केंद्र सरकार को भी करनी है, राज्य सरकार को भी करनी है। केंद्र और राज्य मिलकर विकास की गाड़ी को और आगे बढ़ाएंगे। आपसे पूरे सहयोग की अपेक्षा है और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आप जब आए हैं, आपके सामने इस गांधी सेतु के जर्जर हाल का भी जिक्र हो चुका है। और जहां तक मेरी थोड़ी जानकारी है, केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और इसके जीर्णोद्धार के लिए भी केंद्र जरूर योजना को मंजूर करेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और आप जब आ गए हैं तो मुझे उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई। तो इन्हीं शब्दों के साथ, चुनाव के बाद पहली बार आप यहां आए, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि इसी तरह से बिहार की तरक्की के लिए
आगे भी आपकी यात्रा होती रहे। बिहार की तरक्की के बिना देश की तरक्की संभव नहीं है और देश की तरक्की के लिए बिहार की तरक्की का होना जरूरी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन चीज़ों पर आपका पूरा ध्यान है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार स्वागत करते हुए आप सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए बधाई देते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम लगार्ड, दिस इवेंट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ योर फॉन्डनेस फॉर इंडिया एंड एशिया। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बीइंग अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ सेकेंड टर्म। This reflects the confidence the world has in your understanding of the global economy and your ability to lead this institution.